अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, जिसमें हमने सिंपल एक डेफिनेशन डिस्कस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, फिर ग्राफ के थ्रू भी हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखा। अच्छा, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास, जो हमें जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस किया है उसको मजीद सिंप्लीफाई करके देगा कि हम इस थ्योरम के थ्रू भी किसी फंक्शन की इंक्रीज या डिक्रीज बता सकते हैं। तो प्रॉपरली डेफिनेशन जो अभी आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने बताई है, एक तो वो डेफिनेशन होगी, एक ये थ्योरम होगी जो आपको किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का होना बताएगी कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्टेटमेंट है कि लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल, लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द ओपन इंटरवल, ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब ये होगा कि ए बी उसमें इंक्लूड नहीं है उस इंटरवल में, बी भी उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। तो आपने इस इंटरवल के बीच की वैल्यूज जो है फंक्शन एफ में, फंक्शन एफ के डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो वहां पर आपको अगर आंसर मिल रहा है, फाइनाइट आंसर मिलेगा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, देन अब यहां पे हमारे पास जो है दो डेफिनेशंस आ जाएंगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। ठीक है, तो एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, एक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, एक हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन एफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल ए बी इफ कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर इस ए बी से आप कोई भी वैल्यू लेके उस फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करें और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है? वो इंक्रीजिंग है। अच्छा, इसको समझने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। लेट से कि ये जो बात है इसको हम किस तरह से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट आपने देखना है इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है ग्राफ जो होगा वो कुछ इस शेप का होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब वही है कि ग्राफ जो है वो अपवर्ड जा रहा होगा। ये आपके पास लेट से ग्राफ जो है अपवर्ड जा रहा है। ठीक हो गया, हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। अब इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। वहां पिछले डेफिनेशन में क्या था कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं था, हम वैल्यूज जो है वो फंक्शन में ही पुट करते हैं, यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इस डेरिवेटिव, आपको पता है कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप होगा। ठीक है, लेट से मेरे पास ये इंटरवल है ए हो गया और यहां जो है इंटरवल है मेरे पास बी। ठीक है, अब होगा क्या कि लेट से मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया किसी पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट है, मैं उसको कहता हूं कि वो पॉइंट जो है वो एक्स है, और उस पॉइंट को मैंने डेरिवेटिव में पुट किया और उसका आंसर आ गया 0 से ग्रेटर। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखें इस पॉइंट को देखें, तो इसका स्लोप जो होगा वो टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि टेंजेंट जो होगा वो इस तरह से होगा। तो टेंजेंट का पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि आपका जो डेरिवेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव होगा, या फंक्शन के डेरिवेटिव का किसी वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि उस फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जब टेंजेंट पॉजिटिव होगा मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरह की होगी, और आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, टेंजेंट से ही आप, मतलब टेंजेंट के स्लोप से ही आप गेस कर सकते हैं कि जो आपका जो टेंजेंट है चूंकि उसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है डिक्रीजिंग की। तो डिक्रीजिंग में देखते हैं क्या किस तरह से होगी। तो डेफिनेशन है डिक्रीजिंग, तो एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग
एफ इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसमें अब क्या हो गया कि अगर आपका डेरिवेटिव इस इंटरवल के ऊपर लेस आ जाए, लेस आने का मतलब ये होगा कि उस फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब स्लोप नेगेटिव होगा तो उसकी बेसिकली शेप किस तरह की बनेगी, वो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। अब स्लोप नेगेटिव का मतलब ये होगा कि उसकी वो अप इस तरह से होगा, डाउनवर्ड देखें, जब इधर होगा तो अपवर्ड का मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव है, जब ये एरो इस तरफ होगा तो इसका मतलब है स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रही है। जब स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब है डेरिवेटिव नेगेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि उस फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव है तो कुछ इस तरह से होगा, इस केस में आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम जो है एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। अच्छा, इस एग्जाम्पल से पहले हम इस जो थ्योरम है इसको जरा और एक्सप्लेन करते हैं। अब दो पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिए ना। पहला पॉइंट हमने ये कहा था कि अगर फंक्शन के डेरिवेटिव में इंटरवल की वैल्यूज पुट की जाएं और इंटरवल की हर वैल्यू के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब यहां मसला ये आ रहा है कि इसका मतलब है कि आपको उस इंटरवल की सारी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज है तो आप किस किस को चेक करेंगे, जबकि यहां पर डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो इसका मतलब है कि अब ये तो काम मुश्किल हो गया कि हम इंटरवल की सारी वैल्यूज के लिए चेक करें, ठीक हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा ना क्या करेंगे, स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पर ले आएंगे, उसी तरह डिक्रीजिंग के लिए भी ये काम करेंगे। तो इस थ्योरम को अगर हम थोड़ा सा आसान लिखें तो हमारे पास क्या आएगा कि फ्रॉम द अबव थ्योरम, ये जो अभी हमने थ्योरम लिखा है, फ्रॉम अबव थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर आपके पास, जो पहली बात है वो क्या है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव जो है वो जीरो से लेस आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एफ इज डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू वन। हमने एक वैल्यू पर चेक करना है, ठीक है। और ये x कहां से बिलोंग करेगा, x1 जो है ये बिलोंग करेगा उसी इंटरवल से। अच्छा, दूसरी जो है वो क्या है कि चले वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।